जानिब से आप तमाम हजरात को अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप तमाम कमेटी के सदर मालिक साहब एक शाल गुलपेशी करेंगे। सुल्तानी साहब को इस दरगाह कमेटी के तरफ से इस दरगाह कमेटी के मालिक साहब एक हारून भाई एक शाल पोशी करेंगे। इसी तरह इस ये जलसा सजाकर शानदार मनाने की एक कोशिश हमारे मरहूम खालिक साहब के बेटे हमारे असरार को इस कमेटी के तरफ से एक कवाली एजेंट को भी हमारी कमेटी के तरफ से भी एक शाल पोशी करते हैं। इसी तरह बेंजो मास्टर को बहादुर उनको भी एक शाल पेशी करते हैं। इसी तरह उनको भी एक कमेटी के तरफ से आवना जी एमसी है सामना हो एक शाल पेश करते हैं। इसी तरह किए हैं इसी तरह वैसा तुम्हारा कमेटी के तरफ से एक शाल पेश किया जा रहा है। हमारे दरगाह के साल भर की मेहनत तार जावेद पे जहां भी हो स्टेज के करीब आ जाइए। साल भर की मेहनत है उनकी जावेद पे की उन सकते हैं कमेटी के जानिब से स्टेज के करीब आ जाओ। जावेद भाई जहां भी हो स्टेज के करीब आ जाओ। इसी तरह हमारा हारून भगो एमसी अंसर भाई को भी एक शाल पेशी करते हैं। इसी तरह चांद बादशाह भाई इस्माइल भाई ने चांद बादशाह भाई को भी लाल भाई मालिक भाई अनवर अंकदाल है के भाई अंसर भाई को भी एक शाल पेशी कर रहे हैं। इस्माइल भाई को भी एक शाल पोशी करते हैं। इसी तरह इस कमेटी के तरफ से इस दादी अम्मा के फकीर को यूसुफ भाई को भी एक शाल डाले हैं। इसी तरह हमारे जावेद की तरफ से एक शाल पेश किया जा रहा है। आइए कि मैं सैयदा बीबी अम्मा की चौखट पे बैठा हूँ। मेरे भाइयों से भी जवाब नहीं मिला अस्सलाम वालेकुम। हाँ क्योंकि पहली मर्तबा मुझे हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ है सैयदना दादी बी अम्मा पर पहली मर्तबा मैं हाजिर हुआ हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम दरगाह कमेटी का और हिंदुस्तान के मशहूर ऑर्गेनाइजर शाह कवाली सेंटर के मालिक जनाब असरारुल हक मेरे बड़े भाई का और मेरे बड़े भाई कलंदर भाई का भी शुक्रगुजार हूँ। तो आइए उस मालिक की शान में हमदे बारी ताला के खिताब और नाते रसूल से मैं अपना प्रोग्राम आगाज कर रहा हूँ। प्रोग्राम की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है हाथ उठाकर इजाजत दे दें। हाथ उठा के इजाजत दे दें। और इस महफिल में माशाल्लाह हिंदुस्तान के बड़े मशहूर कव्वाल जनाब नुसरत कादरी साहब भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी इजाजत चाहता हूँ। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज कर रहा हूँ। समाज फरमा लो जितने भाई इधर मौजूद हैं और जो मेरे आगे और इधर खड़े हैं सभी से तवज्जो चाहता हूं एक एक शेर पर
क्योंकि मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहु ला इलाह इल्लाहु शम्स तबरेज गई खुदा तलबी खुशबुए हक ला इलाह इल्लाहु खुशबुए हक ला इलाह इल्लाहु। तो आइए ज्यादा वक्त ना लेते हुए खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा ना करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जबान खुदा ना करे, खुदा ना करे। और कहा खुदा ने के बख्शिश की बात महशर में सिर्फ मेरा रसूल करे कोई दूसरा ना करे, कोई दूसरा ना करे। आइए जैसे जान और तमाम कमेटी मेरे भाइयों से भी, आप ये मंजर देख रहे हैं कितना हसीन, क्या बात है, दादी अम्मा का रोजा सजा है, इसको देखते हुए कह रहा हूँ क्या, हर जानिब अनवार के बादल छाए हैं, हर जानिब अनवार के बादल छाए हैं, अनवार के बादल छाए हैं। सरकार की सैयदा दादी अम्मा की चौखट पर मेरे सरकार भी आते हैं, सारे वली तशरीफ लाते हैं, इसलिए कह रहा हूं ओ हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, ओ लगता है क्या लगता है हसनैन के नाना आते हैं, आते हैं, लगता है हसनैन के नाना आते हैं, आते हैं, ओ हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, हर जानिब अनवार के बादल छाते हैं, लगता है हसनैन के नाना आते हैं, आते हैं, लगता है हसनैन के नाना आते हैं, ओ आते हैं। जिस घर में मीलाद नबी की होती है, जिस घर में मीलाद नबी की होती है, उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं, आते हैं, उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं, आते हैं। इसलिए आइए, अभी महीना हज का गुजरा है, कौन कौन मदीना जाना चाहते हैं जरा हाथ उठा दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हो ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, आ
नावीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सरकार दो आलम का सदका मिला है। ऐसी ही भी अभी कह रहे इस दुआ पर बस, ऐसी ही भी गुजर जाए, ऐसी ही भी गुजर जाए एक रात मदीने में। सरकार हो और हम हो, सरकार हो और हम हो, सरकार हो और हम हो एक साथ मदीने में। चाचा से 500 रुपए नजराना आया है, उनके कलू जो लाते नबी तो जबान खुशबू दे, ये जबान ही नहीं सारा जहान खुशबू दे, खुशबू दे, महक रही है ये हैया अलस्सला की सदा, नमाज बाद में पहले अजान खुशबू दे। जो ज्यादा हमारी चाचा और तमाम से ऐसी ही भी गुजर जाए इस महफिल में। दादी अम्मा के कितने चाहने वाले हैं जरा हाथ उठा। आपको किसी का डर है क्या? किसी का डर है आपको तो हाथ उठाए, खुल के उठाए जो दादी अम्मा का चाहने वाला है। अब दुआ क्या कर रहे हैं हम? चाचा जान मालिक चाचा शेर सुने, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में। दादी अम्मा हो, दादी अम्मा हो और हम हो, दादी अम्मा हो, दादी अम्मा हो और हम हो एक साथ। और जो सरकार का आशिक है दोबारा, हाँ हाँ, इसलिए जजान और मेरे भाई बातें ना करें, मेरी तरफ मुखातिब हो जाए, नाते रसूल सुना रहा हूं। दादी अम्मा हो और हम हो एक साथ मदीने में, और क्या कह रहा हूं, सरे मैयत अगर लाओगे नजराना मोहम्मद का, सरे मैयत अगर लाओगे नजराना मोहम्मद का, सरे मैयत अगर लाओगे नजराना मोहम्मद का, कफन को चीर के, कफन को चीर के, कफन को चीर के उठेगा दीवाना, उठेगा दीवाना। शुक्रगुजार हूं हमारे यूसुफ भाई का जिन्होंने
लिखा दिया है, सरे मैया दी अगर लाओगे नजराना मोहम्मद का, सरे मैया अगर लाओगे नजराना मोहम्मद का, कफन को चीर के, कफन को चीर के, कफन को चीर के उठेगा दीवाना, साहब इस शेर पर आपसे खास तवज्जो चाहता हूँ। वफा परस्त मिले साहिबे उसूल मिले, क्या बात है, वफा परस्त मिले साहिबे उसूल मिले, फकीर जितने मिले आशिके रसूल मिले, वफा परस्त मिले साहिबे उसूल मिले, और फकीर जितने मिले आशिके रसूल मिले, हम परस्तों को नबी की सरवरी अच्छी लगी, फर्ज में सुन्नत मिली तो बंदगी अच्छी लगी, अच्छी लगी, वो तो रह सकते थे सोने के महल में भी, मगर ऐ हलीमा उनको तेरी झोंपड़ी अच्छी लगी। सरकार की शान है, तो जो चाहता हूँ, अरे मौत जरा रुक जा, अरे मौत जरा रुक जा, क्या इतनी भी जल्दी है, एक साथ मत हम दोनों एक साथ मदीने में कमेटी से गुजारिश करता हूँ, महफिल में आ जाए, ऐन नवाजिश होगी, वो जलवाए मुस्तफा सामने है, जलवाए मुस्तफा सामने है, वो जलवाए मुस्तफा सामने है, जलवाए मुस्तफा सामने है। दादी अम्मा के चेहरे में सरकार नजर आते हैं, क्यों, जलवाए मुस्तफा सामने, जलवाए मुस्तफा, जलवाए दादी अम्मा सामने है, इससे बढ़कर इबादत नहीं, जलवाए मुस्तफा सामने, इससे बढ़कर इबादत नहीं, भाई को भी सुनना है, वो चलवाए मुस्तफा सामने, चलवाए मुस्तफा सामने है, मुस्तफा सामने, इससे बढ़कर हो, इससे बढ़कर, इससे बढ़कर इबादत नहीं है, इससे बढ़कर इबादत नहीं है, इश्के दादी में मैं इतना गुम हूँ, इश्के दादी में मैं इतना गुम हूँ। तमाम जो सुन रहे हैं, जलवाए मुस्तफा सामने है, इससे बढ़कर इबादत नहीं है,
इश्क़ सरकार में इतना गुम हूँ, इश्क़ सरकार में इतना गुम हूँ, सांस लेने की फुर्सत नहीं, इश्क़ सरकार में इतना गुम हूँ। रोशन हुआ चराग बेशक बेशक घर से फदीर जलता रहेगा साये में ईरानी बहुत कहता है हम नहीं पीते रोशन हुआ चराग ये घर से फदीर के जलता रहेगा साये में पीराने पीर के ये शान सरकारे दो आलम की शान क्या है सरकारे दो आलम की शान उनका मर्तबा क्या है ये शान ये शान ये शान ये शान है कमली वाले की 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 रोशन हुआ चराग ये घर से कदीर के रोशन हुआ चराग रोशन हुआ चराग ये घर से कदीर के रोशन हुआ चराग ये घर से कदीर के रोशन हुआ चराग ये घर से अमीर के जलता रहेगा अमीर अल्लाह जलता रहेगा साये में पीरा के पीर के के जलता रहेगा जलता रहेगा साये में पीराने पीर के जलता रहेगा साये में पीराने पीर के ये अमीजी बेटियों के हाथों से सदका मिला है कहता हूँ कि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से बेशक महकता रहता है ये दिल का जहान बेटी से जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो मेरे नबी का चला खानदान बेटी से सुभानअल्लाह ये शान भाई उधर कुछ हुआ नहीं है आ जाओ आपस आपको दादी अम्मा का वास्ता है दोबारा पढ़ के आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ सरसिदान आपसे भी खास तवज्जो चाहता हूँ और जावेद साहब से और जावेद साहब और कमेटी के यूसुफ साहब मलिक साहब मलिक चाचा और साहब किसका है अलिफ किसका है लाम किसका है अलिफ वाला मकाम किसका है मीम वाला मकाम किसका है अलिफ किसका है लाम किसका है अलिफ किसका है लाम किसका है और हमारे यूसुफ भाई शेर पर तो चाहता हूँ ये शेर सुन के जाए यूसुफ भाई और बड़े भाई ये शेर सुन लें आपके मतलब का शेर दे रहा हूँ यूसुफ चाचा और मलिक चाचा तमाम से अलीफ किसका है लाम किसका है मीम वाला मकाम किसका है जब के तेरा कोई शरीक नहीं जब के तेरा कोई शरीक नहीं है मेरे मौला जब के तेरा कोई शरीक नहीं जब के तेरा कोई शरीक नहीं जब के तेरा कोई शरीक नहीं फिर ये कलमे में नाम किसका है हजारों साल रहे अर्श पे खुदा बनकर जावेद भाई का मैं दिलो जान से शुक्रगुजार हूँ
अल्लाह आपको पंचतन पाक के सत्ते में और नवाजे। कहता हूँ कि हजारों साल रहे अर्श पे खुदा बनकर, उतर गए हैं मदीने में मुस्तफा बनकर। सुभान अल्लाह। तवज्जो खास जावेद भाईजान, आप शेर मिस कर रहे हैं, वो तो होता ही रहेगा, जिंदगी भर का है उनका। हम आएंगे चले जाएंगे, शेर सुन लें। आप जानते हैं सरकार दो आलम का मकाम क्या है, सिदरतुल मुंतहा का वाकया। आप सामने आ जाएं, जलवा मुस्तफा सामने है, इससे बढ़कर इबादत नहीं है। क्यों? चांद के टुकड़े करके दिखाओ फिर कहना अपने जैसा, दिखाओ फिर कहना अपने जैसा। जो सरकार को बशर कहते हैं, अपने जैसा कहते हैं, उनके लिए कह रहा हूं, चांद के टुकड़े करके दिखाओ फिर कहना अपने जैसा, चांद के टुकड़े करके दिखाओ फिर कहना अपने जैसा, चांद के टुकड़े करके दिखाओ फिर कहना अपने जैसा। डूबा हुआ सूरज उगलाओ फिर कहना अपने जैसा, डूबा हुआ सूरज उगलाओ फिर कहना अपने जैसा, डूबा हुआ सूरज उगलाओ फिर कहना अपने जैसा। घर में बच्चों से तो अल्लाह अल्लाह कहला सकते हो, कंकर से कलमा पढ़वाओ फिर कहना अपने जैसा, कंकर से कलमा पढ़वाओ फिर कहना अपने जैसा, कंकर से कलमा पढ़वाओ फिर कहना अपने जैसा। मक्का मदीना जाना आना जाना कोई कमाल नहीं, मक्का मदीना जाना आना जाना कोई कमाल नहीं, मक्का मदीना जाना आना जाना कोई कमाल नहीं, जाना आना जाना कोई कमाल नहीं, मक्का मदीना जाना आना जाना कोई कमाल नहीं। वो अर्श पे जाकर वापस आओ फिर कहना अपने जैसा, शाने कमली वाले की शाने कमली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा खिस सुल्तान निजामी, पहली मरतबा बुढ़िया तब में आ रहा हूँ, और ये FKS YouTube चैनल को, हमारे भाई का चैनल है, YouTube चैनल इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, और जितने भी आज का वीडियोस हैं इस चैनल में मिल जाएंगे। सुनो FKS YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।